जनपद जालौन के केलिया क्षेत्र के ग्राम खैरी निवासी उमा देवी ने कोंच के पुलिस क्षेत्राधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया, जिसके माध्यम से ससुराली जनों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी शादी लगभग 2 वर्ष पूर्व जनपद जालौन के उरई क्षेत्र के मोहल्ला शांतिनगर निवासी दयाशंकर गिरी के साथ हुई थी, जबकि महिला के पिता के द्वारा दान दहेज भी दिया गया था। पीड़िता ने बताया, शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सास ससुर व पति द्वारा दबाव डाला जा रहा था, अपने पिता द्वारा एक नई अल्टो कार ले आओ तब अपने साथ रखेंगे, लेकिन पिता की हैसियत नहीं है, वो कार नहीं दे सकते थे और उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने पीड़िता को शारीरिक यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। पीड़िता की एक बच्ची भी है जिसकी उम्र 1 वर्ष है, जबकि दहेज के दानवों पर बच्ची को देखकर तरस नहीं आया और उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवा दिए और पीड़िता अपने पिता के घर पर लगभग 1.5 वर्ष से रह रही है। वह इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। इस मामले में पीड़िता उमा देवी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी नवीन कुमार नायक को एक शिकायती पत्र दिया। जब इस संबंध में सीओ नवीन कुमार नायक ने मीडिया से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी, पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाया जाएगा और ऐसे दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम शादी में गए, फिर उन लोगों ने 2 महीने चौथी नहीं चलाई, भैया और मम्मी गई तो उन लोगों ने मारपीट की और कट्टा वगैरह लेके आ गए, तो भैया ऊपर चला दिया तो वो मिस हो गया, तो भैया फिर भागे तो कोतवाली उन्होंने रिपोर्ट की, वहाँ से फिर पुलिस गई तो उन्हें पकड़ ले आई, फिर हमारी उतन से चौथी चली हैगी, फिर बोले हम 1 महीने बाद लुवा लेंगे, फिर वो लोग अभी तक लुवाने नहीं आए हैं, तो हम लोगों ने मुकदमे किए हैं फिर कोर्ट में, तो उन्होंने भी हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया। वे कह रहे हैं यहाँ पे आई तो मिट्टी का तेल डाल के जला देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे, हम नहीं रखेंगे, और जाना तुम लोगों ने कार्रवाई की तो बहुत बुरा होगा। जी, ये इसकी शादी उरई में हुई थी और उरई में 2 महीने ये रही, इसकी एक बच्ची भी है, 2 महीने बाद ये अपने मायके चली आई, अभी मायके में रह रही है। इसने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उसने कहा कि हमें हम लोग रख नहीं रहे, तो उसके प्रार्थना पत्र की जाँच की जा रही है, जाँच करके अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी।